निर्भवो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहे गहे के लाज अस गोविंदास तुहार हम मेले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता धन वाहिगुरु साहब जी श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाऊं तिसका संग सिख उदरै नानक हर गुण गाऊं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन मुकद्दस हजूरी अंदर सुभायमान गुरु प्यारे सत्संगी जनों आप सारी भावना श्रद्धा दे नाल लगातार रोज़ संध्या वेले कट्ठे हो के संगत रूप दे विच शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित इस तपदी लुकाई नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का अगमी थाल परोसण वाले गुरदेव श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के पावन शहीदी दिहाड़े समर्पित ये लगातार सुखमनी साहब के
लड़ीवार पाठ कीर्तन कर रहे हो ते नाल आप संगतां दे इस पढ़े जाण वाले कीते जाण वाले जतना नूं होर उत्तम करन लई होर लाहेवंद बनाउण लई इस पावन दरबार दे सेवादार बाबा अमनदीप सिंह जी होरां ने होर प्रबंधक साडे अज सत्कार जोग भाई साहब भाई हरपाल सिंह जी होर इन्हां पतवंते सजणा ने आप संगतां दे सन्मुख कौम दियां मायनाज शख्सियतां विद्वानां पासों सुखमनी साहब दी विचार ये आरंभी सी और इस विचार दी लड़ी अज 18वीं अष्टपदी तक पहुंची है। धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी इस अष्टपदी दे विच सतगुरु की महिमा पूर्ण गुरु की महिमा कि सिख लई गुरु है कौन ये मन विच शंका ना रह जे ये बाणी पढ़दियां भी किथे सिख दे मन च ये ना रह जे कि मैं किथे गुरु तो वड्डा हो गया जां गुरु सिर्फ कोई एक शरीरिक ऐसी अवस्था है जिहड़ी साडी तरह ही आई ते आके चली गई। अक्सर ये प्रचारिया जांदा है कि गुरु गुरदेव श्री गुरु नानक साहब जी साडे वर्गे ही सन। सो ये सारे शंके दूर करन वास्ते सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने यह श्लोक ते अष्टपदी उचारी है। आओ जी आप बख्शो असीस सतगुरु गुरदेव गुरु ग्रंथ साहब महाराज श्री गुरु अर्जुन साहब महाराज इस विचार दे विच वर्तन आप ही विचार कराऊं। बहुत भावना नाल आप जुड़े हुए सो रखो सिर ते मेर भरिया हाथ आप संगतां दे टिका सदका ही ये विचार हो सके। एक बारी फिर करो रसना पवित्र सारे आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु। एक बारी फिर आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच जिस तरह गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने 52 अखरी उचारी इसी तरह सतगुरु जी ने लमेरी बाणियों विच्चों इस सुखमनी साहब की बाणी गौड़ी राग दे अंदर उचारी। भाई वीर सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब जी के टीके विच इस बाणी नूं उचारण का महत्व भी दसते हैं। भाई वीर सिंह लिखते हैं साडे इतिहासक ग्रंथ भावें वह सूरज प्रकाश होए भावें वह महिमा प्रकाश होए इन्हां ग्रंथां दे विच जिक्र है कि सतगुरु जी जिस वेले 1601-2 तो सतगुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना का कारज उलीकिया और उस वेले जब सतगुरु जी रामसर दी अमृतसर दे विच रामसर दे सरोवर दे कंडे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संपादना कर रहे सन उस वेले सिखां ने आके बेनती की कि सतगुरु जी कोई ऐसी बाणी दसो कोई ऐसी बाणी उस पार ब्रह्म परमेश्वर दे दर तों लैके आओ जिस बाणी नूं पढ़िया सारे दिन दे विच वरते हुए सुआस सफले हो जाण। ते फिर सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने 24 अष्टपदियां भाव रूप दे विच ये पूरी बाणी का मजमून उचारिया। इतिहासक ग्रंथ ये कहिंदे है कि मनुख एक दिन विच 24,000 सुआस लैंदा है। सो सिख जगत दे विच ये भी प्रचलित होया कि ये 24 अष्टपदियां दे विच क्योंकि सिख कोई पहाड़ां दी कंदरां विच रहण वाला नहीं सन्यासी नहीं तिलक ला के विभूति मल के पहाड़ां दी कंदरां या घर बार तों परां होके नहीं सिख किरती है जीवन वाला है। सिख नूं गुरु साहिबाना ने जिथे भगती करनी सिखाई उथे ग्रिस्त दा पहला धर्म भी दृढ़ कराया कि जे तेरा धर्म पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाम नूं आराधना है वो धर्म उन्ना चिर तक दृढ़ नहीं होया जिन्ना चिर तक तू ग्रिस्त विच नहीं है। इस करदे करके भाई गुरदास जी ने कह दिता कि सारे धर्मां विच्चों जिहड़ा ग्रिस्त धर्म है ये कलयुग दे विच सब तो प्रधान है। इत्थे धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने लंगर की मर्यादा शुरू की प्रथा शुरू की। धन गुरु अंगद साहब महाराज जी के दरबार के बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छां पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर के हाली
उस वेले खीमी जी ने सिखां नूं दस्या कि आओ सिखो तुहानूं सेवा करन दी दात दसीए, सेवा किवें कीती जांदी है, लंगर किवें वरताया जांदा है, सिखां नूं भुखियां नूं जिहड़े इत्थे आउण जिन्हूं कोई चीज़ ना लभे ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ, ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਲੂਹਾਂ ਤਪਾਉਣੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਖੀਰ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੂੰ ਜੂੰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁੱਠਾ ਚਾਪੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਭੂਤੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ, ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੰਗਮ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਟਾਧਾਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਗੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਸਤ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆ ਕੇ, ਗ੍ਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਸਤ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਸਤ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਕੋ ਮੁਨ ਧਿਆਨ ਧਰੈ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਯੁਗ, ਕਬਹੂ ਕੋ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ, ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਬਿਰੰਚ ਜਸ ਗਾਵੈ ਜਾਕੋ, ਸ਼ਿਵ ਮੁਨ ਗਹਿ ਨਾ ਤਜਾਤ ਕਬ ਲਾਸ ਕੋ, ਜਾਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ, ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਖ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਕੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੌਣ ਦਿਸਿਆ? ਸੋ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਭਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਗਲ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਗਤ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਰਾਜ ਯੋਗ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪਿਆ, ਜਪੋ ਜੀ ਜਿਸ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪਿਆ, ਤਿਸ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਪੋ ਨਾ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪਿਆ, ਤਿੰਨ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲਈ? ਗੁਰੂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਜਪੋ ਜੀ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਐਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸੀ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਦਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਸੋਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਛੰਦ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ
कि ये सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब पार ब्रह्म परमेश्वर के दर से ये उचार रहे दस रहे चक्र चिन्ह अर बरन जात अर पात नहीं जे रूप रंग अर रेख पे कौन कह ना सकत के। फिर अगे जाके जेडे असी छंत पढ़ते हाँ भुजंग प्रयाद छांचे नमस्तुंग अकाले नमस्तुंग कृपाले नमो नमो है नमस्कार कर रहे उस पार ब्रह्म परमेश्वर नू आदेश संग आदेश है नमस्तंग अपे वह किमें किमें नमस्कार है। चाचरी छंत दे विच भी उन्हू कह रहे तू है तू है तू ही है तू ही है होर कोई हो नहीं सकता तेरे बिना। इस करके सतगुरु कौन है जिन्हें सतपुरख नू जान लिया। महाराज जी का वचन है सतपुरख जिन जानिया जिन्हें पूर्ण असी सतपुरख नू कित्थे जानिया। सच्ची तो यह असी तो अपने आप नू भी नहीं जानिया साडा नहीं पता मन का कबहू जीड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए पयाले लोभी जीड़ा थिरना रहत है चारे कुंटा पाले। सानू अपना नहीं पता कि असी किहड़े पासे तुरे हाँ असी 99 कदम चंगे तुर के भी 100वां कदम कित्थे थिड़क जाइए साडा नहीं पता। असी अपने आप नू नहीं जानते पहला सतपुरख नू जानन तो अपने आप नू जानना अत लाजमी है। ताइयों सतगुरु गुरु नानक साहब जी का यह वचन पढ़ते हैं आई पंथी सगल जमाती जपो जी मन जीता जगजीत। जिन्हें अपने मन नू जितया उही जगत ईश्वर नू जान सकता है। असी अपने आप नू नहीं जाने पर सतगुरु वो ने जिन्हें सतपुरख नू जान लिया उन्हू कोई खत्म नहीं कर सकता उन्हू कोई मिटा नहीं सकता। सतपुरख जिन जाणिया सतगुर तिसका नाओ उहदा नाओ ही सतगुरु है उहनू ही सतगुर आख्या है। जिहदे अंदर सत टिक गया जिन्हें सत दे दीदार कर लिया सत दी प्राप्ति कर ली है तिसका संग सिख उधरै ते सिख अपनी हुज्जत नाल ही जिथे गुरु है उत्थे सिख है ते गुरु तो बिना सिख भी कुछ नहीं गुरु तो बिना सिख भी कुछ नहीं। ये जे गुरु बाणी विचों देखिए ना कि सिख लई गुरु कौन है ते सिख आखदा सतगुर मेरा बेमोहताज सतगुर मेरा सच्चा साज सतगुर मेरा सबसका दाता सतगुर मेरा पुरख विधाता। ये है गुरु दे ये अवस्था सिख दे ले के सिख इस धरती ते हर कोई मनुख हर किसी चीज़ का मुथाज है भिखारी है पर सतगुरु वो है जिहड़ा बेमोहताज है। इत्थे हर कोई अपने आप नूं भावें ये कहे जी मैं ते सतवादी हाँ पर फिर भी अंदर झूठ किते ना किते होएगा पर सतगुरु वो है जिहदे अंदर रंचक मात्र भी झूठ नहीं सच्चाई है साज उहदा पर सारा सच्चा है। असी इत्थे एक दो नूं दे दिए ते असी कहिंदे आ बड़े वड्डे दानी हो गए। सतगुरु वो है उगवणो ते आथवणो सूरज उगण तो लैके सूरज छप्पण तक गुरु का चंदोआ शोभदा उगण तो लैके छप्पण तक सतगुरु सब नू देण जोगा सब नू तारण जोगा कि कलयुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बहतर गुरु कौन है देखो इस पदे विच सतगुर मेरा बेहमोताज सतगुर मेरा सच्चा साज सतगुर मेरा सबसका दाता सतगुर मेरा पुरख विधाता गुर जैसा नाही को देव। हुण देव की है असीं कहिंदे जी देवते देवतियां दा नाम लिया तो एवें मन च आ जांदा किथे विभूती मिली किथे तीर कमान चक्कर जां बाहर दा बस्तर जां बहुत सारियां बाहां नहीं। देव घर च असीं पहलां दीवा बालदे सी इह दीवा लफ्ज़ कित्थों आया ये दीवा लफ्ज आया दिव्या तो दिव्या का मतलब होंगे चानण ये चानण तो ही लफ्ज़ दीवा बनया दिव्या का मतलब ऐसा चानण जिस चानण के नाल जे सौ चंदा उगवे है सूरज चढ़ है हजार एते चानण होंदया गुरबिन घोर अंधार। गुरु ऐसा चानण है ऐसा वड्डा देव है जिहड़ा वड्डे तो वड्डा है सारे जपो गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। पर यह सब नू सोझी नहीं आएगी जिदे मस्तक ते भाग होणगे उही सेवा गुरु की सच्ची सेवा च लगेगा। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिख उधरै ते गुरु दे संग सिख उधरदा है। भट्टा ने गुरु रामदास जी की शोभा च कहा जाम गुरु होए वल तने क्या गर्व दीजै दुनिया चे चार पैसे वध आ जाण ना बंदियां दे पैर थले नहीं लगदे पर गुरु नूं पता है कि मेरा सिख कौन है ते जिहदे उत्ते
सिख दे उत्ते गुरु दयाल हो जाए ना उनू अरबा खरबा करोड़ा नेत नेत भी पैसा दे देना तां वी उहदे अंदरों हलेमी नहीं मरन दिंदा गुरु। पहली शर्त है गुरु किन्ना दयाल होंदा है, बंदना तो एवें थोड़ी छुटकाउण वाले ने गुरु सानू। हुणे पढ़िया तिसकै संग सिख उधरै, सिख कित्थों उधरेगा जे सानू होवै। महाराज गुरु नानक साहब कहिंदे मोती तां मंदर उसरै, रतनी तां होवै जड़ाऊं, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवै चाओ मत देख भूला, वीसरै तेरा चित ना आवै ना। गुरु कौन है? जाम गुरु होए वल धनै क्या गारब दीजै। कहिंदे जिन्ना मर्जी धन सिख कोल आ जाए गुरु उन्हूं गर्व नहीं करन देंदा, वह फिर भी कहिंदा मैं कुछ नहीं हाँ, मेरा कुछ नहीं गुरु दा। जाम गुरु होए वल धनै क्या गारब दीजै, जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कीजै। लखां करोड़ां भी नुकसान देण वास्ते आउण ना, एक गुरु नाल है सिख दे, सिख दा कोई वाल विंगा नहीं कर सकदा। जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर, जिहड़ा गुरु सिख दे वल हो जाए। देखो असी सारे गुरु नूं प्यार करदे हां पर गुरु साहब सानू प्यार करन लग जाण किड्डी कमाल दी गल होए। इह पता असल दे विच इही रमज नूं खोलदा कि सारा जगत गुरु वल धौंदा, गुरु नूं लोचदा पर गुरु किहनूं प्यार करदा है। एक बचन जपजी साहब दा लईए फिर अगां नूं तुरीए। एक पौड़ी पढ़दे हां कि दुनिया सारी तुहानूं लोचदी है पारब्रह्म परमेश्वर, पर मैं ऐसा तुहाडे अगे की रखां तुहाडे दर दे दीदार हो जाण, ते मैं ऐसा मूँह तो की आखां की अलापां की बोलां कि जिस नूं सुन के तुसीं मेरे नाल प्यार करन लग जाओ। मैं तुहाडे नाल नहीं, दुनिया तुहाडे नाल प्यार करदी है जिन्नूं सुन के तुसीं मेरे नाल प्यार करन लग जाओ। असीं इह बचन पढ़दे हाँ कि साचा साहिब साच नाए भाख्या, सारे जपो सब नूं आउंदा है भाख्या भाउ अपार, आखें मंगहें दे दे दात करे दातार। अगला बचन है फेर के अग्गै रखिया जिद दिसै दरबार ते, अगला बचन मोहों के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्या, कि दुनिया तुहानू प्यार करदी है वाहिगुरु पर मैं ऐसा की बोलां जिन्हों सुन के तुसी मेरे नाल प्यार करन लग जाओ। ये तो उल्टी गंग भाव है होगी ना कि तुसी मेरे नाल, और ये सारा पदा जगत गुरु नूं प्यार करदा है पर गुरु किनूं प्यार करदा है उस रमज नूं खोलदा है। जे असी गुरु नानक साहब नूं अपने वर्गा समझी बैठे हाँ फिर असी गुरु की खुशी नहीं लै सकते, मैनूं खिमा बख्शियो। जे असी कहिंदे ना जी गुरु नानक साहब मनुख ही सन साडे वर्गे सन, फिर साडे ते त्रिग है साडे ते सच्ची मुची, फिर असी रमज नहीं पकड़ सके गुरु कौन है। हुणे पढ़िया कि गुरु जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। अच्छा एक वचन होर गुरबाणी विचों पढ़िए कि गुरु कौन है। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात जाकी कोई ना मिटै दात। ते अगला वचन सारे पढ़ो गुर परमेश्वर एको जान, ते असी की जानते हैं गुरु साडे वर्गा, ते गुरबाणी दी मोर की है गुरु परमेश्वर वर्गा। साडी परिभाषा च ते गुरबाणी दी परिभाषा च किन्ना अर्थ है, ते असी कहिंदे असी जी प्रचारक हो गया, असी जी सच दी गल करन वाले, सच कित्थों हो गया। गुरबाणी मोर लगा के कह रही है कि गुर परमेश्वर एको जान, ते असी जानते नहीं जी गुरु साहिब ते साडे वर्गे सन। ना 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 भले हो इस भुलेखे चों बाहर आईए, गुरु परमेश्वर दा रूप ने, परमेश्वर दी जोत ने, इहदा ताइयों जिक्र कीता आप नारायण कला धार जग मह परवरियो। यह है ये आप रूप आए ने गुर परमेश्वर एको जान, उन्हों एको जानो एको ही रूप है, क्योंकि जो तिस भावै सोई परवान, जो गुरु नूं पाउंदा उही करतार करदा। इस करके सतगुर सिख तिस कै संघ सिख उधरै, संघ गुरु दे संघ सिख उधरदा। जाम गुरु होए वल धनै क्या गारब दीजै, जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कीजै, जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर, जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सचो घर, जो गुरु गुरु अहनस जपै दास भट बेनत कहै, जो गुरु नाम रिद मैं तरै सो जन्म मरण दोहूं ठहरै। इहदा मतलब गुरु दे नाल रहिंदिआं सिख भी तर गया, तिसकै संघ सिख उधरै। जिहड़ा गुरु गुरु रात दिन जप रहा है किवें कि गुरु मेरे वास्ते परमेश्वर है, तां
ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਹਿਨਿਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਭੱਟ ਬੇਨਤ ਕਹਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਧ ਮੈਂ ਧਰੈ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਏਗਾ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਠਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਿਸ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ ਸਿੱਖ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕੱਚ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਚ ਰੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕੱਚਾਂ ਦੇ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਲੈ ਲਓ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ 10-15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਕਦੀ ਰੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਸੋਨਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਕਿੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਫ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਜੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਉੱਚੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੱਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਆਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਾਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਚ ਤੇ ਸੋਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਡੀ ਕੀਮਤ ਕੱਚੋ ਹੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਲੋਹੋ ਹੋ ਲਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ ਬਿਗਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ ਲੋਹੋ ਹੋ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਲੋਹਾ ਮਨੂਰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਦਰ ਪਾ ਕੇ ਲਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲੋਹੋ ਹੋ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ ਪਾਹਣ ਮਨ ਕਰੈ ਪਾਹਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਕੁੰਠ ਮਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਊਹਾ ਕਹਿ ਚਰਨ ਮਲ ਧੋਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾ ਆਵਤ ਕਾਮ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਕੋ ਜਪੀਆਂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਝੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੋ ਗੁਰੂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਤਿਸ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ ਆਪਣੀ ਹੁਜਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਲੈ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣੇ ਇਹ ਬਚਨ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਕ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਲੋਹੋ ਹੋ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਣਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੈਸੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਠੂ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਉਹ ਲੱਕੜ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਾਫ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੱਚੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਾਠੂ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਹੋ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਤੇ ਪਸ਼ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ
यह तिन तिसकै संग सिख उधरै। होर किहड़े किहड़े वचन करिए, गुर जिनको सुप्रसन्न नाम हर हृदय निवास है। गुरु उत्ते शंका ना करियो, गुरु जे खुश हो जाए ना हृदय च नाम टिका देगा। जिनको गुर सुप्रसन्न दुरत दूर अंतर नास है। कहिंदे इक ते विकार, इक ते पाप, इक ते दुख साढ़े कोल आए ने, आके चले जाण। जे गुरु की नज़र हो जाए दुख नेड़े ही नहीं आउण दिंदा गुरु। किड्डी वड्डी गल है, आ किन्ना प्यारा पद है भट्टां दा, गुरु की उस्तत दा। गुर जिनको सुप्रसन्न नाम हर हृदय निवास है। जिनको गुर सुप्रसन्न दुख दुरत दूरंत, दुरत कहिंदे पाप नूं, दुरत दूरंतर नास है। गुर जिनको सुप्रसन्न मान अभमान निवार है। सिख दे अंदर मान नहीं रहिंदा, फिर झुक जांदा है। गुरु वड्डा है, मैं कौन हाँ? गुरु वर्गा कोई हो सकदा है? मैं ते तुच्छ भी नहीं हाँ गुरु दे अगे। मैं कौन हाँ गुरु अगे? ये है गुर जिनको सुप्रसन्न मान अभमान निवार है। जिनको गुर सुप्रसन्न कहिंदे शब्द लग भव जल तारै। ये है तिसकै संग सिख उधरै। शब्द लग भव जल तारै, परचो प्रमाण गुर पायो। ओ दुनिया दे लोको, सतगुरु गुरु नानक साहब नू अपने वर्गा ना को। परचो प्रमाण मोर है प्रभु दे दर दी, गुरु दे मस्तक दे उत्ते, गुरु दे जीवन उत्ते। इह ते उत्थों मोर ला के आई है। तू कौन हुंदा गुरु की परिभाषा करन वाला? परचो प्रमाण गुर पायो, सतगुरु नू उत्थों प्रमाणिकता मिली है। तू केड़ा प्रमाण देगा? जिहड़ा उधरों प्रमाण होके आया, जिन्हों भाई गुरदास जी कहिंदे ना आप कि सतगुरु जी आप आए ने, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण हुआ, आप नारायण कला धार आए ने। परचो प्रमाण गुर पायो, कहिंदे की होएगा? कहिंदे उहदे अंदर टिक जाएगा गुरु, जिहदे जिन्हों ये पता लग जाए ना कि प्रमाण देण वाला वह पार ब्रह्म परमेश्वर है। पृथ्वी नानक चंद जगत भयो आनंद, तारण मनुख जन कियो प्रगास। गुर अंगद भयो निदान, अकत कथा ज्ञान, पंच भूत वस कीने जमत ना त्रास। गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत, अग्न देखत गत चरण कवल जा। शब्द मान्यो मन तभी भयो प्रसन्न, राज जोग तखत दियन गुर रामदास। किन्ना कुछ है। परचो प्रमाण गुर पायो, तिन सकिया थियो जन्म जग। उन्ना चिर तक इस जगत विच सिख दा आना सफल नहीं होया जिन्ना चिर तक सिख गुरु की चरणी नहीं लग्या। जे लग गया तो सकियात हो गया। इस करके भट्ट जी कहिंदे कहिंदे हुण गुरु की चरणी आउण लग्या, गुरु वाले होण लग्या, देरी ना करियो, बिल्कुल भी आलस ना करियो, मन दे शंके दूर करो, क्योंकि सब कुछ देण वाला गुरु है। भोगां दी दात देण वाला भी गुरु है, ते मुक्ति दा दाता भी गुरु है। परचो प्रमाण गुर पायो, तिन सकिय थियो जन्म जग। कहिंदे फिर कहिंदे सतगुरु चरण, कहिंदे गुरु दे चरण भज कल्या भव भज के आ। कहिंदे भुगत मुकत सब गुरु लग, भुगती दा दाता भी गुरु है, भोगां दा दाता भी, ते मुक्ति दा दाता भी गुरु है। ये है गुरु। इहदा मतलब कहिंदे गुरु दा आराधन पार ब्रह्म परमेश्वर दा आराधन है। इस करके तिसकै संग सिख उधरै, सिख उधरदा है। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बसीठ। वो विछोड़ा है, दरगाह दा वकील है। हर नामो मंत्र दृढ़ाइंदा, कटे हो मैं रोग, नानक सतगुर तिना मिलाया, जिना तुरे पया संजोग। इस करके उदे संग ही उदरना। इस करके गुरु अर्जुन साहब कहते नानक हर गुण गाओ, गुरु दे गुण गाओ, सदा गाओ। ये आखो गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवै, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावै। गुर कर सत विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपन अगन कटे सब तेरे। गुर नैण बैण गुर गुर कर हो, अखां दे विच गुरु नू वसा, अपने बचना विच गुरु नू वसा। तेरे गुरु नू वसाए बिना तेरा पार उतारा नहीं। गुर नैण बैण गुर गुर करो, गुरु सत कब नल कह। भट्ट नाल जी कहिंदे ते सुनो, सिख की होया जिन्ने गुरु नू नहीं वसाया? जिन गुरु ना देखियो उन्हां अखां नाल नहीं जिन्हां अखां नाल असी संसार देख रहे हां, उन्हां अखां नाल देखो जिन्हां अखां नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी गुरु नू बयान कर रही है। इस चश्मे नाल वेखिए जिन्हों भगत कबीर जी कहिंदे ना,
कहिंदे असमान म्याने लहंग दरिया गुसल करदंग बूद कर फकर दायम लाए चश्मे। भगत कबीर कहिंदा मैं तैनूं चश्मा दिंदा आ चश्मा ला के देख फिर तैनूं पता लगेगा कौन है गुरु। फिर ये चश्मा कर चश्म दा कर चश्म कहिंदे इहनूं ला असमान म्याने बाहर कुछ नहीं अंदर असमान म्याने लहंग दरिया गुसल करदंग गुसलखाना कहिंदे ना ये अंदर ही गुरु के शब्द नाल धोता जाएगा गुरु शब्द नाल ये गुसल करदंग बूद कहिंदे फिर कर फकर दायम फकीरी कमा गुरु की दसी हुई गुरु अगे माण ना कर लाए चश्मे जह तहां मौजूद फिर तेनू जर्रे जर्रे विच गुरु दिसेगा पार ब्रह्म परमेश्वर की जोत। नानक हर गुण गाओ जिन गुरु ना देखियो नह कियो ते अक्यथ संसार मैं उन्हां दा जीवन सफल नहीं कीता प्रमाणिकता नहीं मिली। ते अगे अष्टपदी पहला पदा अष्टपदी सतगुर सिखी करै प्रतपाल स्पष्ट ने अर्थ सिखा ने कहा महाराज गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह कोई धुरों ऐसी बाणी लैके आओ जिहड़ी होए सौखी स्पष्ट भी होए ते साडे किरतियां दे दिन विच पढ़िया साडे सारे दिन दे स्वाद सफल कर दे। फिर ये भाई वीर सिंह जी कहिंदे है मैं अपने वल्लों नहीं कहिंदा भाई वीर सिंह जी कहिंदे है फिर गुरु अर्जुन साहब जी ने यह बाणी उचारी सिखां दी अरदास कल्ली ये बाणी नहीं कई इस तरह के वाकयात सिख जगत दे विच वापरे ने। तुसीं बारहवां पढ़ते हो तुखारी राग दे अंदर गुरु नानक साहब महाराज जी का दर्ज बारहवां ते सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी नूं सिखां ने बेनती की सी सतगुरु जी वह बारहवां बड़ा महंगा है तुसीं उस बारहवां नूं स्पष्ट करो। उसी बारहवां नूं फिर सतगुरु जी ने गुरु अर्जुन साहब ने स्पष्ट करदिआं फिर असी माज राग दे विच जिहड़ा बारहवां पढ़ते हाँ सतगुरु जी ने वह उचारिया सी। सिखां नाल गुरु की प्रीत बाणी तो ही पता लगती है ये बाणी तो वड्डा सबूत की है सिखां ने कहा कि झोली च ऐसी बाणी पाओ कि सुखमनी सुखमणी भी आख्या इनू पर इनू ऐसी बाणी भी कहा कि जिदे नाल अंदर मन भी टिक जाए इहदे अंदर सहज आए गोबिंद दे गुण गाउंदे आ सहज टिके। और इस करके इस बाणी च किन्नी वारी असी सुखमनी पढ़दे आ एक ते असी पहले ही श्लोक पढ़दे आ सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम फिर पढ़दे आ सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम फिर पढ़दे आ असी दो तीन वारी होर सुखमनी महाराज जी ने पाया। फिर जब तुसी आखिरी अष्टपदी ते पहुँचोगे उत्थे भी सतगुरु जी ने इस सुखमनी नूं माणक मोतियां दे नाल तवज्जो दित्ती है कि सिख सिख दे हिरदे दा शिंगार है। महाराज कहिंदे सुनो भाई सतगुर सिक्की करै प्रतपाल कहिंदे जिस तरह माँ जिस तरह बाप अपने बच्चे की प्रतपालना करता है इस तरह गुरु अपने सिख की प्रतपालना करता है अपने सिख नूं रखता है अपने सिख नूं प्यार करता है। ये बचन पढ़ते हैं अपने सेवक की आपे राखै आपे नाम जपावै जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठता वै नाल है अपने सेवक दे गुरु सेवक को निकटी होए दिखावै जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवै कोई दूर थोड़ी है सेवक सतगुर सिक्की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल जिहड़ा सेवक बन के आ जाए ना तो सेवक की परिभाषा गुरु अमरदास जी कर दे कहिंदे की है सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मने कहिंदे जिस सेवा जिस हुक्म नूं कमाया गुरु खुश होए ना उही प्रवान है सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मने जां सतगुर का मन मनिया तां पाप कसम्मल भन्ने उपदेश दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने आ वाले कन्ना तो ना सुनी जिन्हां तो निंदा चुगली ईरखा हाँ दसी जी वह की करता है वह की कहिंदा सी ओहो उहदे नाल की उहनां कन्नां नाल नहीं संगत विच आया सिखी कन्ने सिखिया लैण वाले कन्नां दे नाल ओ वाला कन्न नहीं कि जो जी होए सो उगवै मूँह का कया वाओ इतों सुनिया तो इतों निकल गया फूक की तरह बीजै बिख मंगै अमृत इवें वाला नहीं सुनना उपदेश जे कीता दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने जिन सतगुर का भाणा मनिया तिन चढ़ी चवकदन वन्ने यह चाल निराली गुरमुखी गुरदीख्या सुन मन भिन्ने इं सुन फिर पता लगेगा सेवक को गुर सदा दयाल
वो दयाल है मेरा गुरदयाल सदा रंग राता रंग रंग रगीचिया होया गुरु दयाल मेरा वो सदा ही दयाल है। ये बचन पढ़ते हैं सतगुर होए दयाल तां शरदा पूरी कि कमाल का बचन है गुरु प्यारे हो। एक एक बचन बाणी का साढ़े मन के सारे शंके सारी मैल सारे पर्दे पाठ नूं पाड़ दिंदा। सतगुर होए दयाल तां शरदा पूरी है सतगुर होए दयाल ना कबहू झूरी है सतगुर होए दयाल तां दुख ना जानी है सतगुर होए दयाल तां हर रंग माणी है सतगुर होए दयाल ना तां जमका डर के हा सतगुर होए दयाल तां सद ही सुख दे हा। किन्ना कुछ है किन्ना कुछ है। सतगुर होए दयाल तां नवनिध पाही है किन्ना कुछ है। सेवक को गुर सदा दयाल सतगुर होए दयाल तां नवनिध पाई है सतगुर होए दयाल तां सच समाई है। ये दयालता है सतगुरु की। इनू महाराज कहिंदे सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै। सिख दी गुरु की करदा है दुरमत मल हिरै हिरै हिर लैणी। गुरु ऐसी सराफ ऐसी हट्टी है जिन्हों भाई गुरदास जी कहिंदे सतगुर शाह गुण वेच अवगुण लेख सुन सुन सुजस जगत उठता वै जी। कहिंदे इत्थे ते बंदे कहिंदे मेरा खोटा सिक्का खोटा पैसा चल जाए तो मैनू चंगी चीज़ भी मिल जाए। पर गुरु पता की कहिंदे कहिंदे आओ अपना खोटा दियो तो मेरे तो गुण लै जाओ। दुनिया की कोई हट्टी नहीं है जिहड़ा कहेगा आओ मैनू खोटे पैसे दे दो तो दात लै जाओ। सिर्फ एक गुरु है साढ़े अवगुणा नू लै के वो साढ़े विच गुण पा देंदे ने। इनू महाराज कहिंदे सिख की गुर दुरमत मल हिरै मैल हिर लैंदे है। गुर बचनी हर नाम उचरै पर शर्त यह है कि गुरु दे बचन जिहड़ी बाणी है शब्द है उन्हूं सिख त्याए ते आखे आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी। ये गुरु दे बचन नूं गाए और गुरु का बचन की है कोई खत्म कर सकता है। कोई नहीं खत्म कर सकता कोई भी नहीं इस धरती ते कोई नहीं है। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सा सा संभाले ये गुरु का बचन है। इनू महाराज कहिंदे गुर बचनी किहड़ा ये जिउंदे जी नाल है कल्ले जिउंदे जी नहीं मरण तो बाद भी ये नाल है। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो साथ साथ संभाले ये लोक पर लोक संग सहाई जिउंदे जी भी ते मरण तो बाद भी ये लोक पर लोक संग सहाई जत कत मोहे रखवाले सारे जपो गुर का बचन बसै जी नाले गुर का बचन बसै जल नहीं डोबै तस्कर नहीं लेवै जल नहीं डोबै तस्कर नहीं लेवै पाए ना साकै जाले पाए ना साकै। ये है गुरु का वचन। कोई जल नहीं डुबा सकता तस्कर कहिंदे चोर खो के नहीं ले जा सकता कोई इनू फाही पा के खो नहीं सकता कोई खत्म नहीं कर सकता। गुर का बचन बसै जी नाले जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै भाए ना साकै जल। निर्धन को धन अंधले को टिक मात दूध जैसे बाले। यह है सतगुर सिक्की करै प्रतपाल। जिवें माँ अपना शीर अमृत दे के अपनी औलाद नू पालदी है इवें गुरु अपना सारा सरमाया सिख नू दे के उन्हू प्रतपाल करता है। मात दूध जैसे बाले कौन है तू सब कुछ है। तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदिप तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी ठाई ता पाओ के हा काड़ा जी तू नाल निभण वाला है। सतगुर क्यों कौन है कहिंदे सदा सदा हम छोहरे तुमरे अही तेरे बच्चियां वाहिगुरु। गुरु गुरु नानक साहब जी गुरु ग्रंथ साहब जी सदा सदा हम छोहरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक। कहिंदे किवें कहिंदे नानक जिवें बच्चा आंदा ना कहिंदे बच्चा माँ कोल आंदा भुख लगी है नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा। खीरा कहिंदे खीर दुध जिवें बच्चे दे मूँह विच भोजन पा दिंदी है माँ इवें कोई सिख गुरु कोल मंगण आए ते सिख दी झोली गुरु तत्काल भरदा। किड्डा वड्डा बख्शिश दा दाता है गुरु।
इनू महाराज कहिंदे सिख की गुरदुरमत मल हिरै गुरबचनी हर नाम उचरै ते फिर सतगुर सिख के बंधन काटै। बंधन कट्टण वाला गुरु है। हुणे पढ़िया जाम गुरु हे वल तनै क्या गारब दीजै, जाम गुरु हे वल लख बाहें क्या कीजै, लखां बाहां भी कुछ वाल विंगा नहीं कर सकदे। माया दे बंधन कट्टण वाला है जिहदे हिरदे विच वस गया ना, कहिंदे उहनू कोई बंधन नहीं है, उहनू कोई दुख नहीं है। गुर का सिख विकार ते हटै, विकारां तो हटाउण वाला गुरु है। गुरु दा सिख विकारां वल नहीं भजदा, फिर उस मार्ग ते चलदा है कि जिस मार्ग ते तुरियां जहान भी उस्तत करदा है। वो गुरु दा मार्ग है जिस मार्ग नूं क्या गुरसिख मीत चलहो गुर चाली, जो गुर कहै सोई भल मानो हर हर कथा निराले। वो इस मार्ग ते चलदा है। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। गुरु अपने सिख नू नाम दी दात दिंदा है, वो दात जिन्हू बड़े खोजते फिरते सन। सुर नर मुनजन अमृत खोजदे, सु अमृत गुर ते पाया। ये गुरु देण वाला है सतगुर सिख को नाम। हुणे पढ़िया सी पदा, जाको मुन ध्यान तरै फिरत सगल युग, कबहु को पावै। भट जी कहिंदे मैनू दसो किन्ने किन्ने प्राप्त कीता है, कहिंदे किसी ने नहीं प्राप्त कीता, कोई विरला ही है। कब हुको को पावे आत्म प्रकाश को, वेद बाणी सहित बिरंच जस गावे जाको। भावें वेदां शास्त्रां दा रटन कर लै, कोई कोई बिरंच कोई जिन्ना मर्जी पढ़ लै, सहतां नू पढ़ लै। कहिंदे शिव मुन गहना तजात कबलाश को, कोई कहे मैं शिव जी दी तरह कैलाश पर्वत ते बैठ गया ते हुण मैं रब नू प्राप्त करके मुड़ांगा। ते भट जी के बाणी कहिंदे जिन्ना मर्जी ला लै, जो शिव मुन गह गह कहिंदे फड़ लैणा ना तजात कबलास, कबलास कहिंदे कैलाश पर्वत नूं। कहिंदे जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट भेख किए फिर तो उदास को। ये भी करके देख लै सच ते ए सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा की नहीं, सच्चा मन वसाया। जी जन सब तुद उपाय, एक एक दे कक्के नूं सिहारी है। एक दा मतलब बहुत सारे गुरु नूं अपना दाता मनण वाले, गुरु नूं पार ब्रह्म मनण वाले संगती तौर ते एक वेख परसन आया। ते जेड़े आए लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया। ये गुरु तो मिलिया ना। इहनूं महाराज जी कहिंदे कि सतगुरु कौन है। सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। वड्डे भागां दे नाल रेरे दरगह कहे ना कोई, कोई नहीं आखेगा रेरे दरगे कहे ना को। आओ बैठ आदर सब दी, आदर मिलता है। वडभाग होंदे ने, वड्डे भाग होंदे ने। पार ब्रह्म परमेश्वर दे राही गुरु की प्राप्ति है, ते गुरु दे राही प्रभु का मिलाप है। इस करके सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, उन्हें सुनिया ए लोक परलोक संग सहाई जत कत मोहे रखवाले। सतगुर सिख का हलत ए पलत जेड़ा देखे ही नहीं। गुरु कौन है, हलत सुख पलत सुख सदा ही देने वाला। घर सुख वसया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। ये गुरु दात देंदा है। गुरु सतगुर सिख का हलत पलत सवार है। नानक सतगुर सिख को जी नाल संभाल, घुट के गलवकड़ी पा के जिंद दे नाल। जिंद तो भी प्यारा सिख है गुरु दे, जिंद तो भी प्यारा। नानक सतगुर सिख को जी नाल संभारै। संभारै दा मतलब तत्पाल करदा है, संभाल के रखदा है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब पुत्रां नूं शहीद करा रहे ने, पर सिखां नूं चमकौर दी गड़ी विच्चों कढ रहे ने। किड्डी वड्डी गल है, किड्डी कमाल दी उदाहरण है कि पुत्र भावें चले जाण, मत कोई ये आखे कि गुरु गोबिंद सिंह शहीद करा चुलिया, वह मैनू पौंदी दिलदारी खालसे दी है, नाल अजीत ते जुझार सुला चलिया। कहिंदे मैं इन्हां नूं शहीद करा रहा, जाओ क्यों, क्योंकि इन पुत्रन के सीस परिवार दिए सुत चार, चार मुआ तो क्या भया जीवत कई हज़ार। पुत्रां धियां दे विआह हुंदे आ ते असीं नोट वारदे हाँ, खुशियां दे दिन इन्ने नोट वारदे हाँ, वारी जांदे हाँ, वारी जांदे हाँ। क्यों, जिहड़ी चीज़ वारी जा रही है उहदी कीमत कुछ भी नहीं, ते जिस ते वारी जा रही है वह सब कुछ है। ते गुरु गोबिंद सिंह ने किस तों की वारिया, जो वारिया जांदा उहदी कोई कीमत नहीं होंदी।
ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੁੱਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਰੈ ਜਿੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਆਪ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ, ਬਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਸੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਓ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਚੱਪਲਾਂ ਜੋੜੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ, ਸੋਧਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ, ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਇਹ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਚਨ ਸੀ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭਹੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਚਲਤੈ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ, ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੁਖਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋਰਿਓ, ਸਹਿਜ ਅਗਨ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਓ, ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਊਠ ਵਾਹੂ ਕੋ ਦੋਰਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰੱਖੇ, ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਸੁਖ, ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੁਖਾ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਤੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਹੋ ਨਾਹੀ, ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਉਹ ਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਸਦਨਾ ਜਨ ਦੋਰਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਭੌਂਕਾ ਆ ਗਏ ਬਦਨ ਪਸਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਖਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਗਾਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੀਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕ ਮੰਦੇ ਆਫਰੀ ਰੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮਾਂ, ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕਤਾਰੂ ਏ ਯਾਰ ਮਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕੱਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਖਿਤਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ, 52 ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਭੌੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਭੌਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਨ ਭੌਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਨ ਮਿਲਿਆ।
पर आपस को कर कछ ना जनावे। महाराज कहिंदे की लैना है? कहिंदे मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की मंगा। कहिंदे हाँ तुसी जद अपने सिखां प्यारियां दे नाल अपने साहबजादियां दे नाल प्रशादा लंगर छकदे हो। कहिंदे फिर कहिंदे जद लोग लंगर प्रशादा छकदे ने ते जद जूठा बच जांदा है थोड़ा बहुत थाल च, ते कहिंदे अपने घर च पालतू जिहड़ा कुत्ता हुंदा है कहिंदे फिर वह जूठा होया कुत्ते नूं पा दिता जांदा है, ते वह कुत्ता वह खा के भी पूंछ हिलाउंदा है, वफादारी करदा है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब तुसी सारी दातां सिखां नूं दिओ, सब कुछ दिओ, पर मैं तुहाडे दर ते कुत्ते दी तरह, बस मैनूं जूठ भी दे दो ते मैं उस तों भी तर जाऊंगा। आपस को कर कछ ना जनाब है। इनू क्या लाल सग ए गुलाम, सग कहिंदे कुत्ता, मैं कुछ नहीं हाँ। गुरु गोबिंद सिंह साहब मैनू सग आके बुलाया करो, मैनू कुत्ता आखो, मेरे गल विच तुहाडी जंजीर है। इनू क्या ना कि कबीर साहब का बचन है, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, आपस को कर कछ ना जनाब है, गरे हमारे जेवरी जह खिंचै तह जाऊं। लाल सग ए गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, सग कहिंदे कुत्ता, दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह, दाग लग्या होया मैं, मालक मेरा गुरु गोबिंद सिंह है ते मैं उहदा गुलाम, मैं होर कुछ नहीं हाँ। भावें झूठ दे दिया करो, मैं तेरे दर ते दरबानी करन वाला, सब कुछ हो के भी कुछ नहीं जनाउंदा। यह है रुतबा जिन्हों कबीर साहब कहिंदे ना हम किया ना करेंगे, ना कर सकें शरीर, आपस को कर कछ ना जनावे। क्या जानो किच हर किया पयो, क्यों हुण सिख सिख नहीं है, सिख गुरसिख हो गया, क्योंकि गुरु को आ गया। सिख गुरसिख कद होंदा है वो कल विचारांगे। अगे कहिंदे मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कारज रास, क्योंकि हर हर नाम हृदय सद त्यावै, जिहदे हिरदे च नाम बस गया उहदे अंदर हौमै नहीं रही, वह तो बस मेरी जात पात गुर सतगुर मैं वेच दिता, हम वेचो सिर गुर के, जब मैं वेच दिता तो मैं कौन हाँ, मैं कुछ भी नहीं हाँ। मन बेचै सतगुर कै पास मैं वेच दिता, तो सेवक कै कारज रास, कारज राज करन वाला संतां के कारज आप खलोया हर काम करावन, सेवा करत होए नेह कामी, कामना नहीं, कोई कामना नहीं, बस सेवा है गुरु दी है, करनी है तो करनी है, बस मिठी है ये, बिल्कुल मिठी है। और इनू भावें रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सुख बेहात वाली सेवा है, ये सेवा भली सुहावी छापरी जामै गुणगाओ वाली सेवा है। इनू क्या सेवा करत होए ने कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी, उनू वाहिगुरु की प्राप्ति है, पर यह प्राप्ति अपनी हुजत नाल नहीं, अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले, जिदे उते कृपा होंदी है वो गुरु की मत प्राप्त करता है, ते पहली मत कुमत होंदी है, ते गुरु तो मिली हुई मत सुमत होंदी है, पहली करूप कुजात कुलखणी सौरै पई है बुरी, अब की स्वरूप सुजान सुलखणी सहजे उदर धरी भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी, चंगा होया मेरी कुमत मर गई सड़ गई, ते गुरु दी मत, ये मत सब तो उच्ची है, ये मत सुची है। सतगुरु जी भली करन, दो पदियां दी सलोक दी विचार, बाकी विचार कल करांगे, सतगुरु जी आप ही विचार करान, आप संगत बड़े टिका विच बैठे सो गुरु रूप हो, आप संगतां ने विचारां कराईयां ने, बाबा जी बाबा मनदीप सिंह जी का भी बहुत धन्यवाद, फिर मुड़ के आप संगतां दे दर्शन करन दा सुभाग बख्शिया, बेनती कीती सी पिछली बार जद आए सां कि जरूर फिर सुभाग बख्शियो संगतां दे चरण कमल परसन दा। सो धन्यवाद है जी भाई साहब भाई हरपाल सिंह जी का, समुचे तौर पर सारिया का, पर सब तो वह धन्यवाद श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, गुरु अर्जुन साहब जी का, फतेह बुलाओ आखो जी वाह।